बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में रैंक फंक्शन कैलकुलेट जो होता है, अगर उसमें डुप्लीकेट रिपीट हो रही है तो वो प्रॉब्लम आ जाती है, किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर सिंपली हम रैंक या रैंक एवरेज जो भी फार्मूला लगाएं, अब यहाँ मैंने जो वैल्यू इंटर करी थी रिपीटेड भी है, तो इसमें अगर हम सिंपल रैंक इंटर करते हैं, फार्मूला इक्वल रैंक, रैंक एवरेज लगा लें, रैंक कॉमा फर्स्ट सेल, उसके बाद डिफरेंस पूरा कॉलम F4 एब्सोल्यूट कॉमा डिसेंडिंग ब्रैकेट के लोअर, डिसेंडिंग जीरो इसलिए होता है कि बड़ी से छोटी वैल्यू को चेक करते हैं, वन है, सबसे बड़ी वैल्यू वन, उससे छोटी टू, उससे छोटी थ्री, तो ये जीरो, डिसेंडिंग ऑर्डर इंटर, तो ये हाइएस्ट है 86। इंटर के बाद इसी सेल पर है, सेल के कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लिया है और ड्रैग, तो बिल्कुल सही है। अभी लास्ट जो वैल्यू मैंने रिपीट इसीलिए की थी ताकि प्रॉब्लम आपके साथ सॉल्व कर सकूं और शेयर करूं। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो फिर क्या क्राइटेरिया होगा उस फार्मूले का, तो इसके लिए फिर हम इसके लिए ऊपर दे देते हैं रैंक डुप्लीकेट, और इसके लिए यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे रैंक, रैंक ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल रैंक के कॉलम का, और फिर कॉमा ऑल कॉलम F4 कॉमा ज़ीरो ब्रैकेट क्लोज प्लस काउंट इफ ब्रैकेट ओपन वही फर्स्ट सेल सिलेक्ट शिफ्ट के साथ कॉलन A5 से A5 तक की रेंज में चेक करना है हमने कहा, और जो फर्स्ट सेल एड्रेस आ रहा है A5, मेरे पास इसका सेल एड्रेस यहाँ आ रहा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सेल एड्रेस आएगा। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर आपके समझाया है कि जो प्रैक्टिस करते हैं वो आपका डेटा होगा वो सेल एड्रेस फार्मूले के अंदर क्लिक करने से शो हो रहे होते हैं, तो कभी भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करें। अगर जो सेल एड्रेस मेरे पास इस प्रैक्टिस अभी जो क्लास के दौरान में आ रहे हैं तो आपके अलग होंगे जो आप जिसमें डेटा एंट्री करेंगे। तो A5 F4 कर रहा हूँ एब्सोल्यूट, और कहाँ से किस में चेक करना है हमने कहा इसी सेल में चेक करना है, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज माइनस वन एंटर, इंटर के बाद इसी सेल पर आएंगे दोबारा कॉर्नर पर ड्रैग मोड कर्सर लिया है, ड्रैग मोड कर्सर से ड्रैग करेंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3 जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो यहाँ लिखे हुए इसके रैंक डुप्लीकेट जो था वो देखें 5 और 6 तरह प्रिंट हो गया जो रिपीटेड वैल्यू है, और इसको सॉर्टिंग करना है। अगर अरेंज के 1 2 3 सीक्वेंस में आ जाए तो इस रैंक वाली हेडिंग पर आए, यहाँ कर्सर रखने के बाद होम मेन्यू और सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है, इसमें दिया हुआ है लार्ज A to Z, हाइएस्ट टू लोएस्ट, या A to Z, लोएस्ट टू हाइएस्ट, या Z to A, हाइएस्ट टू लोएस्ट, तो इसको हाइएस्ट टू लोएस्ट रखना है। जेड टू ए वाला जो सॉर्ट एंड फिल्टर हम ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये सबसे बड़ी वैल्यू हाई पे आ जाएगी और सीक्वेंस वाइज नीचे आ रही है। इसी तरह रैंक डुप्लीकेट जो हमने फार्मूला लगाया, जब ड्रैग होगा तो 1 2 3 4 5 इस तरह से जो वैल्यू 5 6 पोजिशन होगी वो यहाँ लिखी हुई प्रिंट हो जाएगी। बाकी अगर मैं 78 को भी रिपीटेड करता हूँ तो ये देखें सीक्वेंस हमारी सही चल रही है, 2 तो पहले फर्स्ट नंबर होगा वो पहले फर्स्ट 2 हो जाएगा और जो सेकंड होगा वो 3 हो जाएगा। इसके साथ ही इस तरह की भी कंडीशन हो सकती है कि एक सेल में हमारे पास रैंक है, यानी मिसाल के तौर पे एक टेस्ट हुआ है उसमें उनके नंबर हाईएस्ट है और डिवीजन के अंदर उनके नंबर लोएस्ट हैं, यानी मिसाल के तौर पर कोई डिवीजन वगैरह या कोई और इंसर्ट में एक कॉलम कर रहा हूँ, यहाँ पर इंसर्ट कॉलम के बाद मैं डिवीजन का एक कॉलम दे देता हूँ, तो इस तरह की भी कंडीशन हो सकती है। जैसे ये सही है फर्स्ट डिवीजन है 78, ये 2 आए और ये 1 है, तो अब 78 तो इनके हैं लेकिन जो डिवीजन में फर्स्ट है तो इनको 2 पे आना चाहिए, यानी इससे ऊपर होना चाहिए। इसी तरह ये फर्स्ट है सही है 660 है, ये डिवीजन 2 है और ये डिवीजन 1 है, और यहाँ पर हमारे पास ये 36 सेपरेट सिंगल है तो इसको 1 कर देते हैं। तो इस कंडीशन में फिर हम फार्मूला क्या लगाएंगे, चलिए आइए इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा फॉर्मेट इसको रैप कर लेता हूँ ताकि यहाँ से ये कॉलम स्पेस बन जाए हमारे पास, हेडिंग सिलेक्ट मिडल, तो इस कंडीशन में ऊपर हेडिंग आ जाएगी रैंक विथ डिवीजन और यहाँ पर आ जाएगा रैंक EQ, और इसके लिए वही फर्स्ट सेल आ जाएगा कॉमा ऑल कॉलम F4 कॉमा ज़ीरो ब्रैकेट क्लोज प्लस सॉरी काउंट इफ्स के बाद जो डिवीजन ब्रैकेट ओपन किया और जो काउंट इफ्स के बाद फर्स्ट क्राइटेरिया होगा इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन और उसके बाद पूरा कॉलम सिलेक्ट F4
ये क्राइटेरिया हो गया कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया वन क्या, हमने कहा सेल को चेक करें, और फिर उसके बाद कॉमा आएगा, कॉमा के बाद डिवीजन का जो कॉलम आ रहा है ऑल, इसे सिलेक्ट करेंगे और वन टाइम F4 डॉलर साइन एब्सोल्यूट और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन, फिर इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट के साथ 7 एंड फंक्शन, और हमने कहा इसको चेक करना है फर्स्ट सेल डिवीजन को, ब्रैकेट क्लोज एंटर, इंटर के इसी सेल पर आएंगे, सेल के कॉर्नर पर माउस पर एंटर लिया ड्रैग, तो जो डिवीजन होगा जैसे 78:2 है, साइन हमने यहाँ दिया है ग्रेटर, ग्रेटर अगर आपको इस तरह रखना है कि सबसे हाईएस्ट जो सेम नंबर है उनका डिवीजन ज़्यादा है तो उनका ऊपर आना चाहिए नंबर, तो उसके लिए फिर आप ग्रेटर देन दें, और अगर आप चाह रहे हैं कि जो रैंक है और बराबर नंबर और डिवीजन वन यानी हाईएस्ट है तो उस तरह से उनका वो ऊपर आए, तो ये दोनों कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ मैं लेस देन कर देता हूँ, मैंने पहले ग्रेटर देन लगाया था, एंटर। अब देखें एंटर के बाद इसी सेल पर आएंगे और ड्रैग करेंगे इसको, तो अब जो फर्स्ट सेल में एडिट करना है, फर्स्ट सेल में आए इसको साइन को लेस देन इंटर, इंटर के बाद अब ड्रैग करेंगे तो जो डिवीजन फर्स्ट होगा वो नंबर चेंज हो जाएगा। देखें अब ये यहाँ पर हमारे पास 72:1 है, और तो ये यहाँ पर हमारे पास रैंक के हिसाब से 2 पर आ रहे हैं, और इसको भी सॉर्टिंग में लाना है तो आप सॉर्टिंग वाइज रख सकते हैं, डिवीजन की हेडिंग पर आए स्मॉट हाइएस्ट टू लोएस्ट, तो दोनों तरह की कंडीशन मैंने अलग अलग एग्जाम्पल हैं इससे ये फिर हमारी सॉर्टिंग अरेंज करना पड़ेगी, तो ये इस हिसाब से देखें हम जो डिवीजन रैंक ज़्यादा है सेम यानी रैंक है और डिवीजन जो फर्स्ट है वो 2 हो गया यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्रैक्टिस करें, कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह।